हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और खूब इंजॉय करें, क्योंकि कुछ सालों से हम लोगों ने दिवाली बिल्कुल इंजॉय नहीं किया। दिवाली ही क्या, बहुत सारे फेस्टिवल हम लोगों ने इंजॉय नहीं किया। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हो और खूब इंजॉय करें। तो आज मैं आप लोगों से कुछ अपने विंटर शॉपिंग शेयर करूंगी। देखिए, पटाखे की आवाज़ आ रही है और ये मेरी फर्स्ट विंटर शॉपिंग होगी। और जो भी प्लांट है वे विंटर के बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट हैं, इन्हें आप ज़रूर लगाएं। इन प्लांटों को तो ज़रूर विंटर में अपने गार्डन में शामिल करना चाहिए। और मेरा शॉपिंग शेयर करने का ये भी मकसद रहता है, क्योंकि मैं बहुत सस्ते प्लांट ढूंढ ढूंढ के शॉपिंग करती हूँ, ताकि आप भी आप इन नर्सरियों से सस्ते प्लांट की खूब सारी शॉपिंग करें और खूब विंटर गार्डन अपने फूलों से सजा लें। तो जो भी मैंने शॉपिंग किया है, मैं उसके दाम के साथ आप लोगों से शेयर करूंगी, और कहां से मैंने ये प्लांट लिए हैं वो भी मैं उस नर्सरी का नाम आप लोगों को बता दूंगी। जो भी नर्सरी मैं बताती हूं वो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे उनका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया रहता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक कॉस्मस लिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। ये मैंने दो प्लांट लिया है, और एक रेड है, और ये देखिए ये डार्क मैरून कलर में है, और एक ऑरेंज कलर में है। तो दो प्लांट लिए हैं, और दोनों प्लांट मुझे 20-20 रुपीज़ में मिले हैं। और ये मैंने प्रभुनाथ नर्सरी से लिया है, ये जस्ट रामराज नर्सरी प्रिया नर्सरी के लाइन में है। और इनके फ़ोन नंबर इनके वीडियो में मैंने दे रखे हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। और उनके यहाँ के प्लांट काफ़ी हेल्दी है, और देख ही सकते हैं। और ये ऐसा कॉस्मस फ्लावरिंग प्लांट है कि सालों भर आपके गार्डन में इसके बीज गिर के बने रहते हैं, फ्लावरिंग होती रहती है, तो बीजों से बहुत ईजी से ग्रो हो जाता है। और उसके बाद देखिए, ये विंटर का बहुत ही खूबसूरत ये पिटूनिया है। और पिटूनिया विंटर का बहुत ही खूबसूरत, कम देखभाल में ज़्यादा फूल देने वाला फ्लावरिंग प्लांट बोल सकते हैं हम। और मैं इसे दो कलर में ज़्यादातर मैं इस बार लगाऊंगी। और देखिए, ये लाते लाते टूट गया है, तो मेरे साथ अक्सर होता है, मैं कुछ सोच के नहीं जाती हूँ और वहाँ जाके मैं ढेरों प्लांट भर के ले आती हूँ, मेरा दिल ही नहीं भरता प्लांट से। और ये इसका कलर तो मुझे पता नहीं, वैसे मेरे पास एक भी पिटूनिया नहीं है। तो ये प्लांट की ग्रोथ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने ले लिया है। वैसे मैं इस बार वाइट कलर और पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन करके पिटूनिया लगाऊंगी, तो आप भी वाइट और पर्पल इस पर लगा के देखें मेरे कहने पर। देखिए, हैंगिंग बास्केट में ये दोनों कलर कितना ही खूबसूरत दिखेंगे, बहुत ही खूबसूरत ये कलर कॉम्बिनेशन लगेगा। और ये देखिए, ये रेड कलर का मैंने विंका लिया है, तो मैं हर बार लेती हूँ तो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हाइब्रिड विंका ख़राब हो जाता है, ज़्यादा दिन चलता नहीं है, मेरे कुछ ही कलर रह जाते हैं, और रेड वाला तो अक्सर मर ही जाता है, लेकिन क्या करूँ, बहुत खूबसूरत लगता है, तो ये मैंने लिया। उसके बाद देखिए, एक और हार्डी प्लांट बोला जाए, यानी कि विंटर का सबसे कम देखभाल में ज़्यादा दिन तक चलने वाला, ज़्यादा दिन तक फ्लावरिंग करने वाला ये डैंथस है। और ये मैंने 20 रुपीज़ में प्रभुनाथ नर्सरी से लिया है। कलर देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत, और देखिए पटाखे की आवाज़ आ रही है, और ये बहुत खूबसूरत है। ये सालों भर आप इसे रख सकते हैं, कहा जाता है एक परमानेंट प्लांट है, कटिंग से भी बहुत ईजी से लग जाता है। तो ये विंका पिटूनिया और ये डैंथस मैंने 20-20 रुपीज़ में प्रभुनाथ नर्सरी से लिया है, ये प्रिया नर्सरी रामला नर्सरी के पास में। और ये देखिए, ये मैंने ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए मैंने ये पॉट लिया है, 10-10 रुपीज़ में 6 पॉट लिए हैं। तो ये देखिए, सारे इसमें बहुत सारे होल बने हुए हैं, तो विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे ख्याल से ये 6 इंच का पॉट है, तो इन मैं कुछ तो हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी, कुछ कोलियस के लिए भी लेके आई हूँ, तो कोलियस हुआ उसके लिए ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 6-10 रुपीज़ में बहुत अच्छा, और काफ़ी इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये मैंने रामराज नर्सरी से लिया। और देखिए, ये प्रभुनाथ नर्सरी में ये मैरीगोल्ड की बहुत सारी कटिंग काट के फेंकी थी या तोड़ के फेंकी थी, तो मैंने ले लिया, तो मैं इसे लगा लूँगी। तो ये जो मैरीगोल्ड है, कटिंग से भी बहुत ईजी से लग जाता है, तो देखूंगी, लगा लूँगी, ऐसे उनके फेंका ही हुआ था। और देखिए, गुलदाबदी के बहुत ही खूबसूरत ये कुछ कटिंग गिरे हुए थे, तो वो मैंने ले लिए, और इसे भी मैं लगा के ग्रो कर लूँगी। बहुत खूबसूरत कलर है ये, लाइट पर्पल कलर है,
तो ये जो गुलदावदी है ये भी कटिंग से बहुत इजी से लग जाती है। बहुत देखिए ये भी एक पिंक कलर का है, तो पिंक और ये मजंडा और कुछ येलो कलर मुझे मिले वहाँ, उन्होंने कुछ ब्रांचेज काट के रखे हुए थे, तो ये कहा जाए तो ये मेरे गार्डन में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाएगा। तो नर्सरियों में इस टाइम बहुत सारे कटिंग ये काट के या लाते वक्त टूट जाते हैं तो ऐसे फेंक देते हैं, तो आप उन्हें लेके ग्रो कर सकते हैं। अगर ऐसे आपको कटिंग मिले नर्सरियों में तो आप इन्हें फ्री में ले सकते हैं, वो बोलते भी नहीं है ऐसे, उनके ये बेकार जाते हैं, तो इसे आप ज़रूर अगर नज़र रखेंगे तो आपको ये फ्री में मिल जाएगा। देखिए ये रेड कलर में मुझे, डार्क मैरून कलर में बोल सकते हैं, ये भी मुझे मिला। तो इस तरह मुझे बहुत सारे कटिंग मिले हैं जिसे मैं ग्रो कर लूँगी। तो आपको भी अगर इस तरह का कुछ नज़र आए आसपास तो आप ज़रूर ले लें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लेने में क्या सर, आखिर ये ख़राबी हो जाएंगे और हम जैसे गार्डनर से लगा ही लेते हैं। तो ये कुछ प्लांट है। उसके बाद देखिए कुछ प्लांट मैंने कमलेश नर्सरी से लिया हुआ है, तो मिर्ची का प्लांट लिया है और ये मैंने 20 रुपीज़ में लिया। तो मैंने आप लोगों से कमलेश नर्सरी भी शेयर किया था, उनके यहाँ ये मिर्ची का प्लांट हुआ, बैंगन का और टमाटर का प्लांट बहुत सारा आया हुआ है, और ये टमाटर का है, तो ये भी मैंने वहाँ से 20 रुपीज़ में लिया। देखिए सूख गए हैं पत्ते, तो वहाँ से आप ये वेजिटेबल्स प्लांट बहुत ले सकते हैं, बहुत हेल्दी आया हुआ देखिए। और ये मेरे पास ये स्वीट पोटैटो वाइन नहीं था, ये भी मैंने कमलेश नर्सरी से 10 रुपीज़ में लिया, और देखिए ये 2-3 दिन रखे हुए तो प्लांट सूखने लगा, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी में लगा रहता है ना, तो जब तक पानी नहीं दीजिए तो बहुत जल्दी सूख जाता है, तो इसे भी रिपोर्ट करना है। तो ऐसे मेरे पास नियोन कलर का स्वीट पोटैटो वाइन है, ये कलर मेरे पास नहीं था, तो ये भी मैं अपने गार्डन में इस बार हैंगिंग बास्केट में शामिल करूँगी। हैंगिंग ये कटिंग से बहुत इजी से लग जाता है, हैंगिंग बास्केट बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है। और ये देखिए एक देसी रोज भी मैंने ये कमलेश नर्सरी से लिया, तो देसी रोज मेरे पास नहीं था, बहुत ही खूबसूरत हार्डी प्लांट है, तो ये भी मैंने वहाँ से 20 रुपीज़ में देसी रोज लिया। तो ये कुछ शेयरिंग थी जो मैंने कुछ 10-20 रुपीज़ के बीच में ये सारे शॉपिंग की है। तो होप मेरी शेयरिंग पसंद हो आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, एक बार आप सबको फिर से हैप्पी दिवाली।